हरियाणा के पानीपत जिले में अजान की आवाज का विरोध सामने आया है। लाउडस्पीकर में तेज आवाज में बजने वाली अजान से परेशान एक वकील मोहम्मद आजम बुधवार को पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त ऑफिस पहुंचे। यहां एडवोकेट ने एसपी और डीसी को शिकायत देकर सुबह 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद करवाने की मांग की। एडवोकेट मोहम्मद आजम ने कहा कि हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में लाउडस्पीकर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखने के स्पेशल आदेश जारी किए थे। इस संबंध में हर जिले के उपायुक्त व जिला अधीक्षक को आदेश की पालना करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन पानीपत में इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में तकरीबन हर जगह सुबह 3 बजे से ही लाउडस्पीकर चालू हो जाते हैं। इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो वहीं मरीज सो नहीं पाते हैं। मस्जिदों में अजान व मंदिर में भजन सुबह 3 बजे चालू हो जाते हैं। उन्होंने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक पानीपत को लिखित शिकायत देकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद करवाने की मांग की है। वहीं मोहम्मद आजम ने बताया कि जब से उन्होंने शिकायत दी है, उन्हीं के धर्म के लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है आगे भी इस तरह की धमकियां मिले, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं है। अगर जल्द ही पुलिस व जिला प्रशासन मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो वह माननीय हाईकोर्ट में जाएंगे और जिला प्रशासन के खिलाफ मानहानि का केस भी करेंगे। आलम जी, एक मामला सामने आया है कि लाउडस्पीकर और अजान का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर आपने शिकायत भी दी। मेरी मांग तो सिर्फ एक ही है, मैं किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं। मेरी मांग तो ये रही है, आज से नहीं पुराने टाइम से मेरी ये मांग रही है कि जो लाउडस्पीकर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लगे हुए हैं और वो सुबह 3-4 बजे अपनी कैसेट लगा देते हैं और मस्जिद में मुसलमान लोग, आजकल रमज़ान का महीना है, 2:30 बजे उठाना लोगों को शुरू करते हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 5% है पानीपत के अंदर और 95% लोगों को सुबह उठाना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी कानून की बात है? मैं तो इस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ। मैं कोई इस्लाम धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ। लाउडस्पीकर इस्लाम का भाग नहीं है, अजान देना इस्लाम का भाग है। अपनी मस्जिद के अंदर दीजिए जैसे पहले होती थी। अरे भाई, जो लाउडस्पीकर है वो तो अभी 250-300 साल से आया है दुनिया के अंदर, उससे पहले भी तो नमाज, रोज़े, अजान होती थी। और ये सब जो देन है, ये ऐसे लोगों की देन है जिनको ध्वनि प्रदूषण के बारे में ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी, कि ध्वनि प्रदूषण का क्या सेहत पे इफ़ेक्ट होता है। उनको, जो लोग वहाँ मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मंदिर मस्जिदों में बैठे हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं कि अगर ज़्यादा ध्वनि से हार्ट पे कितना बुरा असर पड़ता है, उसके दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ता है, और वो रात को सो नहीं पाएगा तो उसका स्वास्थ्य कितना ख़राब हो जाएगा। लोगों ने तो एक कंपटीशन जोड़ा हुआ है कि मेरा माइक 500 फुट पे है तो मैं कल को 600 फुट पे लगा दूंगा। मेरे मोहल्ले में 1000 फुट पे लगा रखे हैं 6 माइक 5 माइक, और मेरे पास सारे ही हीनियस क्राइम के केस हैं, 105 के करीब मेरे पास सारे हीनियस क्राइम से मतलब होता है जो संगीन अपराध होते हैं, और सभी केस मेरे गरीबों के हैं मेरे पास। मैं इधर 11 बजे तैयारी करके सोता हूँ, सुबह मुझे 2:30 बजे कह देते हैं कि जी उठ जाओ। आप किसी को क्या कैसे कंपेल कर सकते हैं कि आप 2:30 बजे उठ जाओ और उठ के बैठ जाओ? आप 95% शहर की आबादी को, गांव के लोगों को आप उठा रहे हो कि जी उठ जाओ, शहरी का टाइम हो गया है। आज वो युग नहीं है। इस वर्तमान युग में सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हैं, सभी लोगों के पास घड़ियां हैं। जिसको रोज़ा रखना होगा वो अपने मोबाइल पर टाइम लगा कर सो जाए, अपना उठ जाए, उठ जाएगा। आप ठेकेदार हो गई किसी के रोजगार, आप ये क्या ये प्रतिष्ठित करना चाहते हो? खुदा तो ऐसी चीज़ों को मना करता है जो लोग दिखावा करते हैं। अगर आपने किसी को ये बता दिया कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैंने आज रोज़े रखा, तो आपका पुण्य और ये कहाँ से रह गया? आप तो ये दुनिया को दिखावे के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दुनिया को दिखावे के लिए। आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। कोई आपको इस मामले को लेकर किसी तरह की कोई धमकियां? मुझे आज ही अभी जस्ट 5 मिनट यहाँ पर एक मेरे मुसलमान भाई वकील हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, उन्होंने मुझे जो कहा है, पहला शब्द उनका ये था कि आपको ये धर्म छोड़ देना चाहिए, आपने क्यों दरख्वास्तें दी? आपने मुस्लिम धर्म छोड़ के कोई और धर्म अपना लेना चाहिए, अगर राष्ट्रीय हित में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस धर्म को भी छोड़ दूंगा। सीधी सीधी बात है, अगर मेरे को मजबूर किया गया, एक कानून की बात कर रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है, आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि आप इस धर्म को छोड़ दीजिए, कल को ये मुझे और भी धमकी देंगी। मेरे लिए सर्वप्रिय राष्ट्रीय है, उसके बाद में मेरा धर्म है, और मैं इंसानियत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है कि जैसे कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं लाउडस्पीकर मैं बता रहा हूँ, 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश निश्चित कर दिए थे 17 मार्च 2000 में, कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति
रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई लाउडस्पीकर नहीं चलेगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म से मानने वालों का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म, किसी भी एबीसी किसी धर्म से भी रिलेटेड हो, वो माइक पर किसी किस्म के धर्म प्रचार या किसी किस्म का हो हल्ला नहीं करेगा बिल्कुल भी। अगर उसके बाद भी उसको जरूरत पड़ती है तो वो उसकी कुछ डेसिमल सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया है कमेटी ने कि उसके अनुसार ही हल्की आवाज़ में वो चलाएगा, और वो भी अपने प्रीमिसेस के अंदर चलाएगा, ये नहीं कि वो दुनिया को सुनाएगा। 2016 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट डाली गई 5, और सभी में एक ही पॉइंट इन्वॉल्व था, वो ये था कि क्या इनको इतनी आज़ादी है कि जितनी मर्जी चाहे ये ज़ोर से लाउडस्पीकर पर चलाएं और लोगों की रातों को नींद ख़राब करें, दिन में ध्वनि प्रदूषण करें, रात को ध्वनि प्रदूषण करें, क्या इनको ये आज़ादी पूरी दी जा सकती है? सुप्रीम हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि सभी चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, सभी डीसी को और एसपी को ये निर्देश दिया कि अगर वे इस प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण को बंद नहीं करेंगे तो उसके लिए खुद व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार होंगे। कोई एक्शन लिया गया? आज तक 2019 को ये फैसला हुआ, आज तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी तो फाइलों को इनको तो अपने एसी रूम से निकलने का फुर्सत ही नहीं है एसपी डीसी को, तो ये जजमेंट को क्यों पढ़ेंगे? अगर ये जजमेंट को पढ़ते तो यार ये नौबत मुझे बोलने की जरूरत पड़ती क्या? आजम जी, आप शायद पहले ही ऐसे शख्स होंगे जो अपने ही धर्म, मैं ओपन विचारों से हूँ, मुझे किसी किस्म की धमकी देने की जरूरत नहीं, ना मैं मरने से डरता। फतवे भी जारी होते हैं बिल्कुल, कितने फतवे जारी करें, अगर देश हित की मैं कोई बात होगी तो मैं उसको सर्वोपरि रखूंगा, धर्म से पहले मेरा देश भारत है। इसको लेके आप आते जाओगे? मैं अगली बार एक हफ्ते के बाद में हाई कोर्ट में जाऊंगा कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने के लिए कि जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो आदेश 22/7/2019 को दिया था उसकी पालना नहीं हो रही है, और मैंने इनको एक हफ्ते के लिए नोटिस भी दे दिया, एप्लीकेशन भी दे दी है, अगर इन्होंने शहर में गांवों में मनादी नहीं करवाई और लोग नहीं रुके तो मैं उसकी पूरी वीडियो बनाकर उच्च न्यायालय के जजिस के सामने, बेंच के सामने ये रखूंगा कि ये किसी काम को भी करने को तैयार नहीं है, ये राजनीतिक दबाव में है और ये सारा इन लोगों को, धर्मगुरुओं को राजनीतिक संरक्षण है, इस वजह से ये माइक चल रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।